देश में ओमिक्रॉन की घुसपैठ हो चुकी है। अभी तक भारत में इस वेरिएंट के 8 मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। गुरुवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 यात्रियों में कोरोना के इस नए वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार से 4 मामले सामने आए। कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में से 1 और आज गुजरात से 1 मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने के बाद देश में कुल ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 हो गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कल 12 संदिग्धों को क्वारंटीन किया गया। क्या है पूरा मामला, जानिए मेरे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। देश में ओमिक्रॉन की घुसपैठ हो चुकी है। अभी तक भारत में इस वेरिएंट के 8 मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। गुरुवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 यात्रियों में कोरोना के इस नए वेरिएंट की संक्रमण की पुष्टि हुई। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार से 4 मामले सामने आए। कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में से 1 और आज गुजरात से 1 मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने के बाद देश में कुल ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 हो गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कल 12 संदिग्धों को क्वारंटीन किया गया। क्या है पूरा मामला, जानिए मेरी इस रिपोर्ट में। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से ही हड़कंप मच गया है और लोग डरे हुए हैं। इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एट रिस्क वाले देशों से कई यात्री पहुंच रहे हैं, जिनमें से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार को भी 6 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट होने की आशंका के चलते सभी अलर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 1 यात्री हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा कर चुका है। एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने बताया कि फ्रांस की उड़ान से 243 यात्रियों में से 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा लंदन से आए 2 यात्री भी संक्रमित मिले। इससे दिल्ली में भी ओमिक्रॉन पाए जाने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अधिकारी के मुताबिक 1 यात्री जो कोरोना संक्रमित पाया गया है, वह करीब 1 हफ्ते से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रह रहा था। वह बाद में तंजानिया और दोहा होते हुए दिल्ली पहुंचा है। ज्ञात हो कि कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही सामने आया था। एट रिस्क वाले देशों से भारत पहुंचे सभी विदेशी और कोरोना संक्रमित यात्रियों के सैंपल्स लेकर NCDC यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में भेजा गया है, ताकि पता चल सके कि रोगी कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। विदेशी यात्रा करके भारत पहुंच रहे यात्रियों और खासकर एट रिस्क वाले देशों से भारत में यात्रा कर रहे यात्रियों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां ऐसे मरीजों के उपचार के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। केंद्र के अनुसार जोखिम वाले देशों में दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल आदि हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से फैला ये वेरिएंट अभी तक 30 देशों तक पहुंच चुका है। भारत में भी इस वायरस से अभी तक 8 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 12 विदेशी नागरिक इस संक्रमण की चपेट में हो सकते हैं। जाहिर है कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए आम नागरिकों को खुद आगे आना होगा, और अभी जब तक ओमिक्रॉन के लिए नई गाइडलाइन जारी नहीं होती है, तब तक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए हम सभी को कोरोना के पहले से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा, ताकि इस नए वेरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।